हेलो, वेलकम यू इन एग्जाम इन फार्मेसी। आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ये, ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। आज हम यूनिट 1 का एक पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट करेंगे। इसमें मेनली तीन पार्ट्स हैं, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। हम कोशिश करेंगे एग्जाम इन फार्मेसी आपके लिए 3 से 4 क्लास में ये कंप्लीट कर दे। ये तीनों टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 में। एग्ज़ाम में लॉन्ग, वेरी लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें से पूछा जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन करता है कार्बन और दूसरे एलिमेंट और पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म में। वाइल इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये यूजुअली कार्बन कंटेन नहीं करता और दूसरे एलिमेंट कंटेन करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों केमिकल कंपाउंड्स होते हैं और बने हुए होते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट के। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हम क्लासिफाई करें तो 2 जगह क्लासिफाई कर सकते हैं, असाइक्लिक, साइक्लिक। असाइक्लिक को हम ओपन चेन कंपाउंड्स भी कह सकते हैं और साइक्लिक कंपाउंड्स को क्लोज चेन कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली केमिकल कंपाउंड्स है जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और कार्बन एबिलिटी रखता है कटाइनेट करने की, कड़ी से कड़ी जोड़ने की। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं हेक्सेन, बेंजीन, नेप्थलीन एक्सेट्रा। इसको हमने क्लासिफाई किया 2 जगह, साइक्लिक और असाइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड्स एंड असाइक्लिक कंपाउंड। जो साइक्लिक कंपाउंड्स है ये रिंग फॉर्मेशन करता है, वाइल असाइक्लिक कंपाउंड जो ओपन होता है, जो रिंग फॉर्मेशन नहीं करता, ये नॉर्मल स्ट्रेट चेन होता है या ब्रांच्ड होता है। इसका एग्जांपल एथेनॉल, आइसो ब्यूटेन, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। वाइल साइक्लिक क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कंटेन करते हैं कार्बन और फॉर्म करते हैं रिंग एक दूसरे से कनेक्ट होकर। इसका एग्जांपल है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन। साइक्लिक कंपाउंड 2 जगह क्लासिफाई किया जाता है, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। जैसा कि होमो वर्ड से हमें मालूम चल रहा है, होमो मतलब एक जैसा, हेट्रो मतलब अलग अलग, होमोसाइक्लिक मतलब कंपाउंड्स एक जैसा एलिमेंट कंटेन करें, दैट इज कार्बन। इसका एग्जांपल हो जाएगा बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन। वाइल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो कार्बन के अलावा दूसरे एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर रिंग में प्रेजेंट हो। इसका एग्जांपल हो जाएगा पायरोन, पायरिडीन और फुरोन। असाइक्लिक कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई करना चाहें तो 2 जगह क्लासिफाई कर सकते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्लासिफाई हो जाएगा एल्केन में, अनसैचुरेटेड एल्कीन और एल्काइन में क्लासिफाई हो जाएगा। अब आते हैं होमोसाइक्लिक की तरफ। होमोसाइक्लिक को क्लासिफाई करना चाहे तो उसे भी 2 जगह क्लासिफाई किया जा सकता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो साइक्लिक रिंग कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड शो कर रहा होता है, जो फिनोमिना रेजोनेंस का शो कर रहा होता है, प्लेनर होता है और फॉलो करता है हकल्स रूल्स। 2n+4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वेयर n 0, 1, 2, 3, 4। इसका एग्जांपल बेंजीन, नेप्थलीन एक्सेट्रा। एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम 2 जगह क्लासिफाई कर सकते हैं, बेंजोइड और नॉन बेंजोनाइड। बेंजोनाइड जो रिंग बेंजीन का कंटेन करे, इसका एग्जांपल हो जाएगा बेंजीन, नेप्थलीन। नॉन बेंजोनाइड जो रिंग कंटेन बेंजीन का ना करे, इसका एग्जांपल हो जाएगा ट्रोपोलोन। आज की क्लास यहाँ ख़त्म होता है, अगली क्लास में हम आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमेरिज्म करेंगे।